भारतीय महिला ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा के शनिवार को लॉर्ड्स में नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर जाने पर इंग्लैंड की चार्लोट डीन को रन आउट करने पर बहस छिड़ गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए नियम बनाने वाली क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था मेरिलबोन क्रिकेट क्लब का बयान सामने आया है। उसने टीम इंडिया का समर्थन किया है और खेल के नियमों में लाए गए परिवर्तनों को याद दिलाया है। नॉन स्ट्राइकर को नसीहत भी दी। एमसीसी ने रविवार को जारी एक बयान में कहा, एमसीसी ने इस साल क्रिकेट के नियमों में संशोधन की है और नॉन स्ट्राइकर के क्रीज से बाहर निकलने पर रन आउट करने को अनफेयर प्ले यानी कानून 41 से बाहर कर दिया है। इसे कानून 38 यानी रन आउट की श्रेणी में डाल दिया है। यह परिवर्तन औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2022 से लागू होगा। यह इस मामले को स्पष्ट करने और बल्लेबाजों को यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि गेंदबाज को गेंद छोड़ने से पहले नॉन स्ट्राइकर छोर पर क्रीज न छोड़ें। एमसीसी ने यह भी कहा, कानून स्पष्ट है और अंपायरों को खेल के सभी स्तरों पर इसका आसानी से पालन करना चाहिए। क्रिकेट से अलग अलग राय रखने वाले लोग जुड़े हैं और जिस भावना से इसे खेला जाता है वह अलग नहीं है। क्रिकेट के संरक्षक के रूप में एमसीसी इसकी सराहना करती है कि इसके एप्लीकेशन की दुनिया भर में अलग अलग व्याख्या की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें न्यूज़ साइट। धन्यवाद।